और गडकरी जी देख रहे हैं, एक जगह भाषण में बोले थे गडकरी जी ने, इतने ब्रिज और इतने हाईवे जो बन रहे ना, ये यूपी सरकार के अंदर मनमोहन सिंह की देन है बोले, उनकी स्कीम चार्ट चला रहे बोले। आज मानेगा ऊपर को जो प्रयास नहीं है पानी की, किन्नर डैम की जो स्कीम आई है, यकीनन उस टाइम यूपी सरकार की तो मंजूरी मिली थी, खाली हमने यहाँ से ठहराव करके प्रस्ताव चलाए थे। कलवाड़ी का तो 2012 में मंजूरी हुई, उसका कारपोरेशन ने 16 करोड़ भरा था, मेरी मिसेज महापुर थी यार, है ना। अब ये पाइपलाइन की जो मंजूरी वो तो मेरे मिसेज के टाइम अंदर साहब तो खाली वो एक लेटर लिखते दे देते, उसका कहीं पाइप पूरा कर देंगे, उनको आते ही क्या, फिर मैं बोल रहा हूँ बोलना बंद कर दिया था मैंने, उनको काम करना ही नहीं आता ना, क्योंकि इनके तरफ से कौन बोलेगा, ठेकेदार खाली चोरी रहते क्या। अरे थर्ड पार्टी कब होती, जब मैं कुछ गलत काम करके काम ये गलत होता दूसरी तरफ दूसरा बता देते हो, ऐसा भी रहे कि फिर थर्ड पार्टी निकाल लिया दूसरी कर लिया। हेलो सब तो बोल डाला मैंने पूरा, अब ये तो तुम लोग को चौकसी करने चाहिए, पत्रकार लोग है आप लोग, घाट हो सकती ना। अब मैं महापुर था, मेरी मिसेज महापुर थी, काम कराने के लिए मैंने बहुत जमाया इनसे आयुक्त साहब से, है ना, लेकिन किसी को बैठाने के लिए अगर किसी के फोन आते हैं या कि इसको अकाउंटेंट बना दो, इसको यहाँ पे ऑडिटर बना दो, ऐसे जैसे एक बात जनरल बोला मैं, तो जाहिर सी बात है किसी के फोन आते करना नहीं चाहिए फोन, उसको देखना चाहिए कि भाई कितना काबिल आदमी है, ऐसा है क्या। यही बात है, हाउस चल रहा था अभी पीछे, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हाउस से बोलना चाहिए, वहां नहीं बोलते यार ये लोग, अजीब बात है सर, क्या चल रहा है, कैसे लीडर ने, अब कोई नहीं बोलता तो चल भाई अपन माजी है दोनों, है ना, नगर अध्यक्ष भी माजी, महापुर भी माजी, आमदारी माजी, मतलब अपन ही बोले सबकी तरफ से, गांव की तरफ से भी, इधर से भी, आज ये लोग बोली भी है ना क्या, खाली देखा जा रहा भावड़े से किधर से आ रहा। अरे कुछ तो पहले भावड़े चलता था, अब तो जीसीबी से खींचे जा रहा साला इधर क्या, संतरी मंत्री चौकसिया सही बात है, इनकी भी होना चाहिए यार कुछ, जबकि बहुत माल आ गया यार, सालदार से मालदार हो गया बंदा है, और ये तो यहाँ का कटप्पा, ये बेचारे पैसे लगा के काम करते हैं, गांव को सुधार संभालते सब डेवलप करते है, ठहराव होने के बाद में टेंडर निकलने के बाद में उनको ऐसा समझते है सालदार है उसके क्या। तो बहरहाल अगर आयुक्त ने उसको हटाया नहीं, ब्रेक नहीं लगाया, तो उसकी जो पीछे की चौकसी चल रही थी वो मैं निकालूंगा और गवर्नमेंट में उसके खिलाफ कंप्लेन करूंगा, नहीं तो तुम्हारे लोक आयुक्तों की तरफ कंप्लेन करूंगा। और इनको आज उन्होंने ईमानदार तरीके से इन्होंने जमीन पे काम किया है, जो ठेकेदारों को ना देते हुए जिनके क्वालिटी के काम हमें, उनको 2 दिन के अंदर इन्होंने स्पिल वर्क डाल करके और बाकी उनका बिल देना चाहिए।